कर्नाटक विधानसभा चुनावों से जुड़ी पांच अहम बड़ी बातें जिनके बारे में या तो बहुत कम चर्चा हुई या हुई ही नहीं। पहला, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने पहली बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। दिलचस्प है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2% बढ़ा लेकिन सीटें कम हुई, जबकि बीजेपी ने कम वोट प्रतिशत में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की। दूसरा, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार कर्नाटक में खाता खोला। बसपा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष एन महेश कोलेगल्ला विधानसभा सीट से विजयी हुए। वोट शेयर के लिहाज से बसपा राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में फिर तगड़ा झटका लगा है। अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। चौथा, बेलारी में रेड्डी ब्रदर्स को झटका लगा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि रेड्डी बंधु कम से कम 15 से 20 सीटों को प्रभावित करेंगे, लेकिन बेलारी की 9 सीटों में से सिर्फ 3 पर विजय हासिल हुई। और अंत में, कांग्रेस का बहुप्रचारित लिंगायत कार्ड इस चुनाव में नहीं चला। लिंगायत समुदाय से आने वाले 4 मंत्री इस चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स।